फैसलाबाद की मशहूर हस्ती जो कि सुपरस्टार है और इन्होंने बहुत थोड़े अरसे में बहुत बड़ा नाम बना लिया अपना, और ये बहुत अच्छे फनकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी है। आज इनके पास टाइम शॉर्ट है इसलिए इनका इंटरव्यू हम फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आज होगी इनसे थोड़ी सी गपशप। तो जी शबीर सर, आप क्या कहना चाहेंगे इनसे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शबीर हुसैन आपका। तो कैसर पिया साहब एक ऐसी हस्ती हैं कि हमें भी फ़ख्र होता है फैसलाबाद वालों के कि ये फैसलाबाद की शान है। तो मैं तो कैसर पिया साहब के साथ एक ही बात पूछूंगा बस कि सर जो आपने फिल्म की है भाजी इंडिया में जो, तो आपको कैसा घर महसूस हुआ इस फिल्म में? क्या रंग लाएगी, कोई तब्दीली लाएगी पाकिस्तान के फनकारों के साथ? क्योंकि पहले भी फिल्में हो चुकी हैं तो उनका को मेरा ख्याल इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला जो अभी अभी जो मैं आपको बताता हूँ कि जो फिल्म मैं करके आया हूँ, मैं नसीम इक्की साहब, अहमद अली भट्ट साहब है, उधर से गिप्पी गिरेवाल है, नीरू बाजवा है, अनु कपूर साहब है, राणा साहब है, राणा रमजीत। तो ये एक बड़ी फैमिली मूवी है गिप्पी भाई की, ये मूवी जो बहुत ही उनकी अच्छी, तो बड़ा अच्छा लगा उनके साथ काम करके, बड़ा इन्जॉय करेंगे आप भी। और ये बड़ी जो रिलीज होगी फटे दिन दे चक पंजाबी, वो आप जब देखेंगे तो आप बड़ा इन्जॉय करेंगे। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम कौन से पंजाब से हैं, वो कौन से पंजाब से, वो हमने मिलके काम किए हैं, काविश की है। पंजाबी तो फिर एक दूसरे से मोहब्बत करते ही हैं। तो जैसे शबीर ये छोटा भाई है, जोया बड़ी अच्छी होस्ट भी है, बस इनके बड़ा अच्छा काम भी कर रही है, मैं देखता रहता हूँ इनके जितने भी वो चैनल्स वगैरह में ये आप काम करते हैं, आपका यूट्यूब चैनल है। तो जितने लोग देख भी रहे हैं इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें चैनल को, और इसी तरह की बहुत सारी वीडियो जोया की तरह की वीडियो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। तो नाज़रीन ये थे कैसर पिया साहब, आपको मैं बताता चलूं कि ये इतने बड़े इंसान है कि मैं बता नहीं सकता कि आज की दुनिया में फनकारों में सबसे बुरी बात आपको पता है कि इन फील्ड में तौबा मुनाफ़त मुनाफ़त की भी अखीर है इस फील्ड में। तो कैसर पिया साहब ये बात फनकार हुए हैं जो छोटे फनकारों को आगे लेके आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत के लिहाज से तो मैं यही सबसे बोलना चाह रहा हूँ, मुनाफ़त ये होनी चाहिए थोड़ी सी, इसलिए होनी चाहिए कि बंदा आगे बढ़ता है। चटके दस दा कटा के बिठा लेकिन ये मुन्ना आपको पता ही है माशाल्लाह, ये हमारा सबका फेवरेट भी है और बड़ी उमदा बातें करता है जी जी। तो बस लेकिन कहते ना जब तक जहाँ रिस्क लिखा होता है वहाँ बंदे ने वो काम करना होता है। तो सजाद के साथ काम किया, फिर अभी माशाल्लाह GNN में काम कर रहा है, तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अल्लाह पाक शबीर को, मुन्ने को, जोया को बहुत ज्यादा तरक्की दे, मेरी दुआ है ये जूनियर से मेरे, और खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू, थैंक यू सो मच।